स्थिति बनी हुई है अगले पिछले एक महीने से ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर इतना रश है, बिल्कुल मंदिर प्रांगण के बिल्कुल सामने आप ये देखिए, यही है हमारे भोलेनाथ जी। अभी तो फ्रेंड्स बिल्कुल नज़दीक मंदिर के पहुँच गए, और आप यहाँ ऊंचाई पे देखिएगा तो इधर बोटिंग का क्या चार्ज रहता है आप लोगों का? बोटिंग का जैसा घूमते ऐसा है सर, मंदिर जाने का 50 रुपये टिकट। जय बाबा भोलेनाथ। कैसे हो आप लोग? मैं आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ युवराज, और गाइज आज मैं आप पहुँचा हूँ ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर यानी भगवान भोले की नगरी ओमकारेश्वर में आपका स्वागत है। ज्योतिर्लिंग हमने कल आपको ब्लॉग दिखाया था, इससे पहले जो ब्लॉग हुआ था वो हुआ था उज्जैन महाकाल का, और आज हम पहुंच गए ओमकारेश्वर। तो ये हमारी पार्किंग एरिया है, यहाँ हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है, और ये देखिए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बने हैं। आपको कुछ भी खाना है पीना है कुछ भी करना है तो, और देखो नींबू पानी स्टॉल्स काफ़ी लगी हुई हैं गाइस। और ये है जो हम इधर निकलेंगे, इधर टेम्पल है और घाट भी है जहाँ पर स्नान भी होगा। सारा कुछ आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में, कंप्लीट टूर रहेगा ओमकारेश्वर का। आप आना चाहते हो तो पूरा बजट में बताऊंगा, होटल कहाँ लेना है, कैसे लेना है, किस तरह से आपको यहाँ दर्शन करने हैं, VIPs की क्या स्थिति है, अभी क्या कंडीशन है, सारा कुछ बताने वाले हैं गाइस। तो चलते हैं इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, और मिलता हूँ सीधा आपको घाट पर। चलिए भाई, मंडे का दिन है, सैटरडे संडे काफ़ी लोग बता रहे थे कि यहाँ 5-5 घंटे वेटिंग चली है। भाई अभी भी लोग जा रहे हैं, देखिए ये आस्था है, वीकेंड चल रहे हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, तो हर कोई भी घूमने के लिए आ रहे हैं भाई। चलिए यहाँ देखिए, ये भी मिल जाएगा आपको, कुछ भी खाने पीने का आइटम चाहिए आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। काफ़ी संख्या में यहाँ होटल्स बनाए जा रहे हैं भाई, कंस्ट्रक्शन का काम तो काफ़ी चला था। मैंने पीछे जो आपको दिखा ना, उसके साइड में भी काफ़ी होटल्स बन रहे हैं। ये पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ अद्भुत सा शहर ओमकारेश्वर में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं आगे की ओर, खाना पीना कर लेते हैं क्योंकि थकान हो गई थी, ड्राइविंग किया नॉन स्टॉप 150 किलोमीटर, लगभग 4 घंटे में हमने ये यात्रा पूरी की, बीच में नाश्ता वगैरह भी किया था, तो लगभग 3 बजे हम पहुंच गए ओमकारेश्वर में। अभी कुछ खाना पीना खाते हैं फिर आपको ज्वाइन करता हूँ। खाना पीना कंप्लीट करने के बाद हम पहुँच गए, अब बिल्कुल ब्रह्मपुरी घाट है ना, आपको देखिए सामने ये एंट्रेंस गेट मिल जाएगा ब्रह्मपुरी का, और चलेंगे आज स्नान करेंगे नर्मदेश्वर नदी में, नर्मदा नदी में, और मैं सीधा आपको घाट की तरफ लेके चलता हूँ और मिलता हूँ सीधा घाट से। तो मेन ब्रह्मपुरी घाट पे आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। भाई देखिए कच्ची मूंगफली भी आ गई है यहाँ पे, भून कर इनको भी दिया जा रहा है, मिट्टी लगा के मूँगफली दी जा रही है। देखिए यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, और नर्मदा माँ का जल लेके जाना है तो आपको ये भी मिल जाएगा, प्रसादी वगैरह यहाँ सब अवेलेबल है ही, सिंदूर भी है भाई अलग अलग तरह के, ये सब स्टॉल्स लगा रखी हैं। आपको घाट से पहले पूरा यहाँ पूजा की सामग्री के आइटम्स मिल जाएंगे, इधर आप पानी वगैरह ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और ये देखिए इसरा सरवत सेंटर। चलिए गाइस घाट की तरफ चलते हैं, और आप देखिए अभी इस सीजन की एक भी बरसात नहीं हुई है, और पानी का फ्लो देखिए आप, ये नर्मदा नदी में आप सभी का स्वागत है भाई। बोटिंग भी चल रही है भाई, चलिए मैं आपको घाट से सीधा ज्वाइन करता हूँ। नर्मदेश्वर नर्मदा नदी नर्मदा मैया के स्थान पर इस पवित्र घाट पर आप सभी का स्वागत है। आप इस स्थल पर पहुँच गए, यहाँ नर्मदा माँ की आरती होती है डेली शाम को, यहाँ आरती की जाती है। और देखिए मैं यहाँ से आपको दूर से जूम करके दिखाता हूँ, ये है ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर। ये देखिए आप साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर के, और ये है झूला जिसको लोग क्रॉस करके जाते हैं। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ ये पावन सा धाम नर्मदा और ओमकारेश्वर में आपका स्वागत है। ये देखिए ये पूरा व्यू, और नर्मदा माँ यहाँ से अविरल रूप से बहती रहती हैं। चलिए चलते हैं घाट की तरफ और स्नान करेंगे गाइस। अच्छा ये संगम देख के मंदिर उतरते 100 रुपये टिकट है, आदिगुरु शंकराचार्य का मूर्ति देखते उसका 150 रुपये टिकट है पर पर्सन। तो कुछ रियायत हो जाएगी हमारे लिए, हम लोग 4-5 लोग हैं। शेयरिंग में जाना कि प्रेफर करना सर? नहीं शेयरिंग में चले चलेंगे, शेयरिंग में जाते हो तो 150 रुपये टिकट रहेगा। तो 150 तो बोल ही रहे हो। नहीं शेयरिंग का है ऐसा। अच्छा यहाँ नहाने के लिए पानी साफ है, नहा सकते हैं? साफ पानी है पूरा। तो यहाँ नहाए या उधर की साइड नहाए? नहा भी नहा सकते
संगम किस 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 नदी का संगम? कावेरी का। अच्छा ये देखिए, ये है पूरी जगह जहाँ पर बोटिंग वगैरह के लिए सारी बोटिंग का अरेंजमेंट है। आप आ सकते हैं यहाँ पर और स्नान के लिए भी जा सकते हो। संगम ये लोग ले जाते हैं, घुमाते भी हैं आपको। देखिए कितनी सारी बोट से गड़ियों और श्रद्धालु, देखिए चारों तरफ से यहाँ पर भीड़ ही भीड़ है, क्योंकि वीकेंड गया है। गर्मियों की छुट्टी चल रही है, इस कारण ये लोग यहाँ से लेके जाते हैं, पूरा घुमाते हैं। तो आप यहाँ हैं तो आप इसमें घूम सकते हैं और बोटिंग भी कर सकते हैं। भाई शेखू बाबू नहा रहे हैं नर्मदा माँ में। अरे वाह, स्नान कर, क्या बात है भाई। तो फ्रेंड्स अभी स्नान हो गए, मैंने भी आप एक घंटे नहाया हूँ वही, लगातार एक घंटे कंटिन्यूस नर्मदा नदी में स्नान किए, और काव्या बाबू ने भी किया है मेरे ने। चलिए अब नाव लेके मंदिर चलते हैं सीधा, वहाँ दर्शन की व्यवस्था करते हैं। और आपको पूरे इंटरेस्टेड ब्लॉग के साथ इस ब्लॉग में पूरा आपको यहाँ की सिचुएशन दिखाते हैं, क्या स्थिति है अभी टेंपल में, क्या है, कितना भीड़ है, VIP अभी कल्चर स्टार्ट है या नहीं है, VIP टिकट्स अभी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और यहाँ आरती होगी शाम को, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो गाइस मैंने अभी ले लिया है यहाँ पर बोट अपना, और ये देखिए बोट में 10 लोग अलाउ हैं, 10 से ज़्यादा आप बिठा नहीं सकते। तो शेयरिंग बेसिस ले लिया है, ये शायद 50 रुपये करके एक टिकट का ले रहे हैं, मंदिर तक आपको छोड़ देंगे। चलिए मैं नर्मदा नदी में आपको ये एक्सक्लूसिव ब्लॉग दिखा रहा हूँ गाइस, चलिए बने रहिए, अभी चलते हैं मंदिर टेम्पल की तरफ सीधा। ओह वेरी नाइस, आवाज़ बहुत कर रही है भाई। भाई बोटिंग करते हुए, नाव में विचरण करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हम बिल्कुल थोड़ी देर में मंदिर टेम्पल के पास पहुँचने वाले गाइस। और देखिए ये भी घाट बने हुए हैं जगह जगह, आप स्नान के लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है नर्मदा माँ में। आप यहाँ अविरल रूप से कल कल करती हुई नर्मदा माँ के बह रही हैं, और बिल्कुल देखिए हम प्रांगण के बिल्कुल समीप पहुँच गए, और ये बिल्कुल छोटे ऊंचाई पर आप मंदिर को देख पा रहे हैं। ये है नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, और हम अभी आपको ओंकारेश्वर के दर्शन कराएंगे। ये ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन की जय 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 भोले बाबा। वहीं है ओंकारेश्वर टेम्पल पर हम बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए, यहाँ पर ये सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ेंगे, फिर दर्शन करने के लिए जाएंगे। प्रोटोकॉल ऑफिस में जाते हैं और वहाँ से एक अपनी VIP एंट्री करानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, लगभग 4 से 5 घंटे आपको लग रहे हैं। तो मैंने अपने जानने वाले से बोला है, वो हमें आज यहाँ दर्शन कराने वाले गाइस। चलिएगा चलते हैं सीधा मंदिर प्रांगण की ओर, ये पूरा झूम झूम कर रही है, झूम बराबर झूम कर रही है भाई। ओए होए देखिए भाई कितना खूबसूरत यहाँ से व्यू आ रहा है, पूरे आप नर्मदा देखिए, नर्मदा जी बह रही हैं, और यहाँ से ये पुल है, इस पुल को भी पार करके आ सकते हैं। और एक इधर है, ये बड़ा पक्का पुल है, और हमें अब बिल्कुल ऊपर चलना है दर्शन के लिए। तो चलिए बिना देरी के मैं पहले आपको दर्शन करा देता हूँ, और फिर सीधा आपसे मिलते हैं मंदिर प्रांगण में। चलिए गाइस ये है यहाँ का, आपको माहौल दिख रहा है ना, ये पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पर, और अंदर चलते हैं देखते हैं क्या है व्यवस्था। हेलो, ये देखिए गाइस ये है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, और हम ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दर्शन भी कराएंगे और सारा कुछ दिखाने वाले हैं। तो गाइस हम मंदिर प्रांगण के अंदर हैं, और ये देखिए यहाँ पूरी स्थिति बनी हुई है, सामने ही मंदिर है, यहाँ रश कितना है, देखिए भीड़ कितनी है भाई। विशेष दर्शन द्वार भी यहाँ खुला हुआ है, मगर ये इसको नॉर्मल कर दिया गया है। ये सारी स्थिति यहाँ मंदिर प्रांगण की है। चलिए अंदर हम कोशिश करते हैं और आपको दर्शन भी करवाएंगे आज भगवान ओंकारेश्वर के। काफ़ी रस है भाई, ह्यूमिडिटी भी बहुत हो रही है भाई, इतना रस है। देखिए ये है VVIP लाइन की स्थिति है, हम सीधा वैसे एंटर कर गए मंदिर प्रांगण के बिल्कुल पास में, दर्शन किए हैं। और ये देखिए भव्य मंदिर बना हुआ, प्राचीन मंदिर, और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यहाँ पर ओंकारेश्वर आप साक्षात दर्शन कर पाएंगे। मैं हूँ आज, और मेरी फैमिली भी मेरे साथ है गाइस, आपके लिए सब कुछ हो रहा है, सारी मेहनत हो रही है गाइस। आप चैनल पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ही कर देना, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लगातार आती रहेंगी। चलिए अभी हम दर्शन अभी करते हैं, और आपको मौका लगा तो मैं आपको दर्शन जरूर कराऊंगा ओंकारेश्वर जी के। बहुत ही शानदार अनुभूति हो गई है, महाकाल जी के आपको दर्शन कराए, हमने भी किए, बड़ा अच्छा लगा। आज है ओंकारेश्वर में, यानी ये पवित्र धाम आप सभी को प्राचीन मंदिर है, और हम हैं ओंकारेश्वर टेम्पल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जय श्री राम।
ये है हमारा शेखर बाबू और बहुत ही थक गया है। एक डेढ़ घंटे लगातार नर्मदा नदी में स्नान किए भाई इसने। कैसे नहाए थे बाबू? नहीं नहीं, गुस्सा क्यों है? गुस्सा क्यों है? गुस्सा क्यों? चलिए ये है मंदिर और यहाँ से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलिए भाई, काव्या बच गई, निकल आए फाइनली। थोड़ी देर में ही हम पहुँचने वाले हैं और आपको भी दर्शन कराएंगे, कोशिश करेंगे। भाई कैमरा की परमिशन हुई तो मैं आपको जरूर दर्शन कराऊंगा, मगर मैं आपको प्रांगण से यहाँ से पूरा प्रांगण दिखा रहा हूँ। ये है ओमकारेश्वर मंदिर, बहुत ही विश्व फेमस मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंग में गिने जाने वाला मंदिर। यहीं से अभी हम दर्शन करने के लिए चल रहे हैं, अभी चलते हैं अंदर प्रांगण की ओर। भाई ये VVIPs की लाइन है और उधर नॉर्मल जो लाइन चलती है वो चलती है, और ये आर्टिस्ट विशिष्ट जनों के लिए है। भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। चलिए चलते हैं अंदर। भाई खासकर हमारे भाई हैं, उन्होंने हमें दर्शन कराए, बड़ी मेहरबानी हुई उनकी, क्योंकि भाई 4 से 5 घंटे में लाइन आ रही है, बट उन्होंने हमारा एंटर करवा दिया है और अभी 1 से 2 मिनट में हमारे दर्शन होने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद उन भाई के लिए। चलिए शेखर हम भी चलते हैं और शेखर को भी आज दर्शन कराएंगे। ये लीजिए भाई, बिल्कुल मंदिर के पास, बिल्कुल मंदिर के समीप, और ये है हमारा प्यारा सा मंदिर। अभी थोड़ी देर में रिसेंटली हम 1 मिनट के अंदर मंदिर प्रांगण में ही होंगे। चलिए चलते हैं गाइस। बिल्कुल गर्भगृह में हम पहुंच गए और गर्भगृह के आप अंदर पहुंचिए और देखिए ये है स्थिति यहाँ भाई। जबरदस्त भीड़ काव्या को आप थोड़ा रखना या इनको सामने भेज दो। चलो आ गए, आ गए आराम से। बिल्कुल सामने आपको 1 मिनट मेरे साथ रखना है और मैं आपको दर्शन कराऊंगा, कोशिश कराऊंगा आपको दर्शन कराऊंगा। दर्शन करिएगा मेरे साथ साथ, इधर आओ, इधर मेरे पास आओ। गाइस मैंने आपको दर्शन कराए और हमने भी किए, कितने प्यारे दर्शन हुए हैं भाई। मेरी आज ये जो मनोकामना थी कि मुझे 2 ज्योतिर्लिंग करने हैं इस कंटेन में, तो आओ किए। और आपको यहाँ से मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ गाइस, आप देख पा रहे होंगे ये है नर्मदा माँ और नर्मदा माँ के बीच में बसा हुआ ये प्यारा सा ज्योतिर्लिंग। और अब चलते हैं हम नीचे की ओर, आपको आरती दिखाएंगे, नर्मदा माँ की आरती भी दिखाएंगे और उसके साथ साथ ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। आप ये देखिए ये सामने है ना, ये यहाँ से एंट्री हो जाती है और बिल्कुल ही ऊपर ये प्यारा सा मंदिर है, जो भव्य मंदिर, वहीं विराजे हुए हैं ओमकारेश्वर जी। चलिए नीचे चलते हैं और आपसे मैं सीधा आरती में जुड़ता हूँ और आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। भाई कितना प्यारा व्यू आ रहा है आप देखिए गाइस, और यहाँ से पूरा आपको यहाँ नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ ओमकारेश्वर आपको पूरा प्यारा सा दिख रहा है। भाई चलते हैं आगे और मैं दिखाता हूँ, ये देखिए भाई ये, और हम सीधा एंटर कर गए थे VIP से और यहाँ से हम निकल रहे हैं अभी, एग्जिट निकल गया, ये VVIP का एग्जिट है। और आप ये स्थिति देखिए, आपको अभी आना है तो भाई इस छुट्टियों में मत आइए, इस वीकेंड में नहीं आइए, बहुत ही सारी प्रॉब्लम होने वाली है, इतना भीड़ रस है कि आप दिक्कत में फंस जाओगे भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और अब चलते हैं सीधा आरती में आपको दिखवा। भाई भगवान ओमकारेश्वर की बहुत बहुत महिमा रही हमारे ऊपर, 10 मिनट में हमें दर्शन दिए, लोग 7-7, 6-6 घंटे से लगे हुए हैं, सुबह से लगे हैं, अभी तक दर्शन नहीं हुए भाई, बहुत ज़्यादा ही स्थिति। देखिए ये यहाँ से हम अभी जो निकले थे ना, ये दर्शन करके यहाँ ऊपर से हम लौट के आ रहे हैं। ये है यहाँ का विशाल प्रांगण, ये कुछ आवाज़ ही नहीं जाने देते भाई ये लोग, कुछ जोर से बोलते हैं, उनका इंजन कितनी ज़ोर से आवाज़ करता है। हेलो हेलो, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लगातार आती रहेंगी। और ये जर्नी आपको ये कंप्लीट यहाँ से हमने टूर दिया है और ये कैसा लगा है इसको कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, जो भी गलती रहती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको सुधारने का कोशिश करूँगा। चलिए टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।
भाई ये लोग गिरेंगे यहाँ से। इसको नहीं पकड़ना बाबू है, धीरे से अच्छी से लाओ। आ जाओ तू दो। चलो भाई कूद गए, निकल गए शेर। ये देखिए भाई बहुत ही खूबसूरत दृश्य, और आप हैं यहाँ और मैं हूँ आपके साथ। ओमकारेश्वर के बहुत प्यारे दर्शन किए, अभी आरती में अभी हम सम्मिलित होंगे, फिर आपसे मिलेंगे जल्दी ही। तो गाइड यहाँ ये आपको ओमकारेश्वर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे है तो आप ऐसे ही लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आपके मोटिवेशन से मुझे बहुत काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस इस वीडियो को ही एंड करेंगे। जाते जाते मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा टूर कल शुरू हुआ था उज्जैन से, उज्जैन महाकालेश्वर के हमने दर्शन किए थे। उसके बाद मैंने आपको ये ब्लॉग भी दिखा दिया, और जो रास्ता है उज्जैन से ओमकारेश्वर का, उस ब्लॉग को मैं काफ़ी अच्छा इंटरेस्टेड ब्लॉग रहा था, तो आपको सपोर्ट मिला है। और ये ब्लॉग यहाँ आया है और ये पूरा कम्प्लीट मैंने आपको टूर दे दिया है ओमकारेश्वर जी का। अब चलेंगे हम आगे की ओर, और नेक्स्ट ब्लॉग में शाम को अभी आरती स्थल पे जाने वाले हैं, वहाँ की आरती का पूरा के कंप्लीट ब्लॉग बनाएंगे। काफ़ी अच्छी आरती होती है, और हम आज हमारा सौभाग्य है कि हम आज आपको आरती दिखा पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और नई जर्नी में एक नई ब्लॉग में आपसे मिलता हूँ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय भोले की।